गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। विद्यार्थियों, जो हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा, विश्व में रेल परिवहन का जो महाद्वीपीय आधार पर जो चित्रण देखा, उसी से जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट बिंदु है, विश्व में पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, इससे जो प्रश्न आता है वो सीधा सा प्रश्न पूछ लेता है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है और किन्हीं दो, किन्हीं तीन रेल मार्ग या किन्हीं चार रेल मार्गों का उल्लेख कीजिए। कई बार नाम भी देता है किसी रेल मार्ग का और पूछ लेता है इस रेल मार्ग का उल्लेख कीजिए। तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग वह होता है जिसमें महाद्वीप के एक छोर एक कॉर्नर से महाद्वीप के दूसरे कॉर्नर तक रेल परिवहन के माध्यम से महाद्वीप के समस्त नगरों को जो उस परिवहन माध्यम में आ रहे हैं उनको जोड़ना और उनके विकास को आगे बढ़ाना, ये क्या है? एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का उद्देश्य है। इसमें महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक रेल परिवहन का विस्तार किया जाता है। विद्यार्थियों, हमारे कोर्स में जो रेल परिवहन माध्यम है, मार्ग है, जो पार महाद्वीपीय मार्ग है, उनका उल्लेख करते हैं, एक एक करके उनको हम देखते हैं। सबसे पहले अमेरिका के अंदर, उत्तरी अमेरिका में रेल मार्ग जो है, जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, उसको देखते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में आपके जो उत्तरी भाग है, ये है कनाडा, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये है आपका मेक्सिको, फिर आपके मध्य अमेरिका के देश है निकारागुआ, कोस्टा रिका, आपके पनामा, ये आपके क्या है? मध्य अमेरिका के देश है। तो उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः तीन ये देश हैं, एक तो मेक्सिको है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, और तीसरा है कनाडा। इसके उत्तरी भाग में आपकी है हडसन की खाड़ी, इसके मध्य भाग में जो कनाडा और यूएसए को डिवाइड कर रहे हैं, ये है आपकी महान झीलवर्ती प्रदेश जिसमें आपकी झीलें हैं। सबसे पहली झील है आपके ये ऊपर वाली सुपीरियर, दूसरी वाली है मिशिगन, तीसरी वाली झील है आपके इरी हुरन, फिर इरी है, और लास्ट वाली है ओंटेरियो। पांचों के नाम सुपीरियर, मिशिगन एकमात्र झील है जो पूरी यूएसए में है, बाकी सभी झीलें हैं यूएसए और आपके संयुक्त कनाडा के दोनों भागों में है, केवल मिशिगन है वो केवल पूरी की किस्में है यूएसए में है, कनाडा में इसका भाग नहीं है। तो सुपीरियर है, मिशिगन है, हुरन है, इरी है, और ओंटेरियो। फिर ये आपके जो मार्ग है, ये सेंट लॉरेंस नदी निकलती है लास्ट वाली झील से, जो आपकी ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। ये क्या है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ये सेंट लॉरेंस की क्या है? खाड़ी है। और सेंट लॉरेंस की खाड़ी के पास आपको बताइए कौन सा द्वीप है? न्यू फाउंडलैंड। कौन सा है? न्यू फाउंडलैंड। कौन सा द्वीप है? न्यू फाउंडलैंड। अब इसके बाद ये देखिए, ये है आपकी मेक्सिको की खाड़ी, और ये आपके वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह है। देखो, अब हम सबसे पहले कनाडा के रेल मार्ग की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो कनाडा में रेल मार्ग की बात करें, तो पहले भी हमने जब महाद्वीपीय चित्रण जब पढ़ा था, तब भी कनाडा का जो रेल मार्ग है उसका जिक्र हुआ था।
ये आपके अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर है, और इसके पश्चिम में आपके प्रशांत महासागर है। तो कनाडा में जो रेलमार्ग बना है वो प्रशांत महासागरीय तट को अटलांटिक महासागरीय तट से जोड़ता है। हम रेलमार्ग के नगरों की बात करें तो यहाँ नगर है हेलिफैक्स, हमने जब सड़क मार्ग पढ़ा था तो न्यूफाउंडलैंड का एक कौन सा नगर था, सेंट जॉन। कौन सा, सेंट जॉन। सेम वही मार्ग था सेंट जॉन से वैंकूवर तक। ये मार्ग केवल इसमें नगर बदल गया, ये न्यूफाउंडलैंड का कौन सा नगर है, हेलिफैक्स। यहाँ हेलिफैक्स आ गया, हेलिफैक्स से आपके सिडनी जाता है, कहा जाता है सिडनी। फिर ये आपके सेंट लॉरेंस नदी को पार करता है और यहाँ पे तीन नगर है, क्यूबेक है, मॉन्ट्रियल है और ओटावा है। एक तो कौन सा है, क्यूबेक, एक है मॉन्ट्रियल, एक ओटावा। ओटावा क्या है, आपकी इसकी राजधानी है। ओटावा क्या है, राजधानी है किसकी, कनाडा की। इसके बाद ये मार्ग आगे जाता है और आगे जाकर के ये मार्ग आपके जो क्षेत्र है कैडबरी, कैडबरी से आपकी झील है जिसका नाम है विनिपेग झील, ये कहा जाएगा विनिपेग। विनिपेग से जाएगा ये केलारी, इसके बाद आपके जो पढ़ा था आपने जार्ज, जार्ज है, प्रिंस जार्ज है, उसके देखिए आगे तो ये लास्ट में मार्ग जाता है, ये ब्रिटिश कोलंबिया है। कौन सा है, ब्रिटिश कोलंबिया। इसका नगर है वैंकूवर। कौन सा नगर है, वैंकूवर, जो प्रशांत महासागरीय नगर है। कौन सा है, प्रशांत महासागरीय नगर है। तो 7050 किलोमीटर लंबा, 7050 किलोमीटर लंबा ये जो रेल मार्ग है, ये आपके देखो वर्णन बहुत आसान है, अटलांटिक महासागरीय तट पर स्थित हेलिफैक्स को प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित वैंकूवर से जोड़ता है। कनाडा के दक्षिण भाग में आपके क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, ये तीनों औद्योगिक प्रदेश है, विनिपेग, और ये जो आपके इधर वाले जो प्रदेश है ये आपके वनस्पतिक दृष्टि से जो है प्रमुख प्रदेश है, केलारी है, वैंकूवर है, जो भी ये जो प्रदेश है इन पश्चिमी प्रदेशों को पूर्वी प्रदेशों से जोड़ता है। देखो इस मार्ग को बनने के पीछे 1886 में एक समझौता हुआ था, वो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इस उत्तरी भाग में ये ब्रिटिश कोलंबिया था, इसके बीच में हुआ था, और ब्रिटिश कोलंबिया के प्रदेशों को आपके राज्यों के संघ में मिलाने का ये समझौता था। इस समझौते के कारण ही किसका निर्माण हुआ, आपके इस मार्ग का, मार्ग का नाम क्या है, ट्रांस कैनेडियन या पार कैनेडियन रेल मार्ग, पार कैनेडियन रेल मार्ग, या इसको हम कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग भी कह सकते हैं, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग भी कह सकते हैं। क्लियर, कनाडा का क्लियर समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसमें रेल मार्गों का जो मुख्य केंद्र है वो आपका पूर्वोत्तर, पूर्वी जो उत्तरी पूर्वी नगर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। कौन सा है, न्यूयॉर्क, ये इसका केंद्र है। न्यूयॉर्क क्या है, इसका केंद्र है, इसका संयुक्त राज्य अमेरिका के रेल मार्गों का आरंभिक बिंदु है वो कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क। कौन सा, न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क से है वो तीन जो मार्ग है वो आपके अटलांटिक तट पे जो न्यूयॉर्क है उसको
प्रशांत महासागरीय तट के नगरों से जोड़ते हैं, और इसमें आपके उत्तरी भाग में जो सिलिकन वन है उसका नगर है आपके सिएटल, ये वैंकूवर में मिटा रहा हूँ इधर से, क्या है सिएटल। इसके बाद जो मध्यवर्ती नगर है वो है सैन फ्रांसिस्को, इसके बाद दक्षिणीवर्ती नगर है जिसका नाम है लॉस एंजेल्स, अमेरिका की फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है किसको, लॉस एंजेल्स। ये तो सिलिकन वन है, और ये कौन सी है सिलिकन घाटी, ये कौन सी है सिलिकन घाटी। ये पूरा जो एरिया है ना कैलिफोर्निया का क्षेत्र है, कौन सा, कैलिफोर्निया का क्षेत्र है, कैलिफोर्निया का क्षेत्र है, वो वनस्पति प्रतिरूप के लिए जाना जाता है। खट्टे रसदार फल ये है, 30 से 40 डिग्री वाला भाग जो आपके भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रदेश माना जाता है, खट्टे रसदार फलों के लिए किसका, कैलिफोर्निया का नाम आता है। अब इसके जो तीन प्रदेश हो गए, तो एक तो हो गया उत्तरी भाग, एक हो गया मध्यवर्ती भाग, और एक हो गया दक्षिण भाग, तो तीन आपके क्या हो गए रेल मार्ग हो गए। अब ये जो हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि ये जो इधर वाला भाग है तो औद्योगिक है, और इधर वाला भाग है वानस्पतिक है, तो वानस्पतिक और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ये प्रमुख रेल मार्ग निर्मित है। उत्तरी वाला न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क मुख्य नगर है, न्यूयॉर्क से जो मार्ग जाएगा वो है पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग क्या है जंग का कटोरा जिसे बोलते हैं, पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग जंग का कटोरा या लोहे इस्पात की राजधानी, क्या है पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग से मिशिगन झील के दक्षिणी बिंदु यानी शिकागो नगर आता है, शिकागो जो नगर है वो फेमस है एक तो आपके विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी के लिए, दूसरा ये फेमस है यहाँ विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 और भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में स्वामी विवेकानंद जी गए थे 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन वाला शिकागो। शिकागो के बाद में ये जो क्षेत्र जाता है आपका वो जाता है सेंट पॉल, सेंट पॉल से, सेंट पॉल जो नगर है सेंट पॉल से यह है विस्मार्क, विस्मार्क, विलिंग्स, थोड़ा स्पेस छोटा है, विलिंग्स यहां लिख देता हूं, विलिंग्स और सिएटल, विलिंग्स और सिएटल तक जाता है, यानी सेंट पॉल से आपके विस्मार्क, विलिंग्स और सिएटल तक जाता है। ये पूरा रेल मार्ग एक बार रिपीट कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क से आपके पीटर्सबर्ग, शिकागो, सेंट पॉल, विस्मार्क, विलिंग्स और सिएटल, ये 6100 यानी 6100 किलोमीटर लंबा ये रेल मार्ग है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये वाला प्रदेश है वो मक्का की पेटी है, इसके अलावा ये आपका प्रेरिज घास का मैदान भी है, अनाज के क्षेत्र जो स्थिति में ये संपन्न प्रदेश है। इधर देखें शिकागो मास की बड़ी मंडी है, इधर देखें तो ये लोहे इस्पात का, मोटर गाड़ी का या आपके मशीनों का बड़ा केंद्र है, तो लोहे इस्पात, मोटर गाड़ी, मशीनों का केंद्र है, मास की मंडी है और अनाज और लकड़ी का क्षेत्र है, ये तीनों इस रेल मार्ग के माध्यम से आपस में मिलते हैं। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इसके बाद दूसरा रेल मार्ग है वो देखते हैं मध्यवर्ती रेल मार्ग, मध्यवर्ती रेल मार्ग। देखो मध्यवर्ती रेल मार्ग भी आपका वही पीटर्सबर्ग से आएगा शिकागो, शिकागो के बाद में इसका मार्ग क्या होता है बदल जाता है। ये आपकी मिसौरी नदी है उसका जो क्षेत्र है क्या ओमाहा, ओमाहा से ये आगे आएगा और ये ओमाहा से आगे आकर चेनी, चेनी, चेनी से यह जो
अपने राकी पर्वत श्रृंखला है उसके क्षेत्र को इनांस दर्रे से पार करते हुए सेल्ट लॉक अपेस लेक ऑफ साल्ट या साल्ट लेक सिटी, साल्ट लेक सिटी, और उससे ही आता है सैक्रामेंटो जो सैन फ्रांसिस्को क्षेत्रीय राजधानी है, और सैक्रामेंटो से ये आता है आपके कहाँ पे सैन फ्रांसिस्को, कहाँ था सैन फ्रांसिस्को, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, शिकागो तक तो आएगा, शिकागो से कहाँ आया ओमाहा, फिर आया चेनी, फिर आया साल्ट लेक सिटी, और फिर आया सैक्रामेंटो, फिर आया आपके सैन फ्रांसिस्को। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, जो पश्चिमी प्रदेश है उसको कहाँ जोड़ता है, आपके पूर्वी प्रदेश से जोड़ता है। तीसरा, जो तीसरा है वो सी आपके न्यूयॉर्क तो है, न्यूयॉर्क से आएगा दक्षिण की ओर, न्यूयॉर्क से दक्षिण की ओर अटलांटा नगर, मोंटगोमरी नगर। इसके बाद इम्पोर्टेंट है कि इधर से तो आती है आपकी मिसिसिपी मिसौरी, इधर से आती है आपकी ओयो नदी, मिसिसिपी मिसौरी आ गई, ओयो नदी आ गई, मिसिसिपी मिसौरी और ओयो नदी जहां आकर गिरती है कहां, मेक्सिको की खाड़ी में। इस मेक्सिको की खाड़ी में एक तटवर्ती नगर है न्यू ऑरलियंस, कौन सा है, न्यू ऑरलियंस। इस न्यू ऑरलियंस, ये आपके जो मार्ग है कहाँ आएगा, न्यू ऑरलियंस आएगा, न्यूयॉर्क अटलांटा न्यू आपके मोंटगोमरी और न्यू ऑरलियंस। विद्यार्थियों ये जो क्षेत्र ये वाला है दक्षिण वाला, ये आपके दक्षिणी अलाबामा क्षेत्र है, और यहाँ पे एक प्रदेश है जिसका नाम है बर्मिंगहम, कौन सा, बर्मिंगहम। ये दक्षिणी यूएसए का क्या है, पीटर्सबर्ग है, दक्षिण का पीटर्सबर्ग कह सकते हैं, कौन सा, बर्मिंगहम। और ये बर्मिंगहम कहाँ पर है आपके इंग्लैंड में, वो भी लो इस्पात के लिए जाना जाता है और ये भी लो इस्पात के लिए जाना जाता है। न्यू ऑरलियंस के बाद ये जाता है आपके एक नगर है जिसका नाम है एल पासो, क्या नाम है याद रखता हूँ, एल पासो या अल पासो। और उसके बाद आपके आता है अमेरिका की फिल्म सिटी जिसका नाम है क्या, लॉस एंजिल्स, क्या नाम है, लॉस एंजिल्स। तो विद्यार्थियों वन टाइम रिपीट करते हैं इसको, हमने यहाँ तीन रेलमार्ग पढ़े हैं, एक तो उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। उत्तरी में आपके आ गया न्यूयॉर्क से सिएटल, मध्य में आ गया न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, और दक्षिणी में आ गया न्यूयॉर्क से लॉस एंजिल्स। क्लियर, ये आपके तीन प्रमुख रेल मार्ग है। और यहाँ जो आपकी राकेश पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए ये क्या है आगे जाते हैं। इसके बाद हम जो अगले रेल मार्ग पढ़ेंगे उसमें ऑस्ट्रेलिया का रेल मार्ग देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इसका ये जो पूर्वी भाग है ये प्रशांत महासागर का तट है, प्रशांत महासागर है, ये आपके उत्तर में कोरल सागर है, कोरल द्वीप जिसे बोलते हैं, कोरल सागर। इसके इधर देखें तो आपके पापुआ न्यू गिनी क्षेत्र आ गया, इंडोनेशिया वाला भाग आ गया, इधर देखें तो हिंद महासागर है, ये भी हिंद महासागर का भाग ही, लेकिन इसमें इसको देखे तो ये है ऑस्ट्रेलिया की बृहत खाड़ी, बृहत खाड़ी। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ये आपके बस पूर्व में इसके है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला, पश्चिम में है इसके विक्टोरियाई मरुस्थल है, पश्चिम में क्या है, विक्टोरियाई मरुस्थल है। यहाँ दो नदियां हैं, मरे और डार्लिंग नदी, मरे और डार्लिंग नदी। जो दक्षिणी ये आपके तस्मानिया है, और ये सागर है जिसको तस्मान सागर बोलते हैं,
इधर आपके न्यूजीलैंड का भाग आता है। ये जो भाग है यहाँ पे, ये प्रदेश है इसका न्यू साउथ वेल्स। कौन सा? न्यू साउथ वेल्स। और जब ऑस्ट्रेलिया के बारे में रेलमार्ग के बारे में बताया भी था कि 49,000 में 25% जो ऑस्ट्रेलिया का रेलमार्ग है वो इसी प्रदेश में मिलता है। कौन से में? न्यू साउथ वेल्स में। ऑस्ट्रेलिया में जो रेलमार्ग है वो उत्तर दक्षिण स्टुअर्ट और पूर्व पश्चिम जो क्षेत्र है वहाँ रेलमार्ग मिलता है। हम पूर्व पश्चिम वाले रेलमार्ग को पढ़ते हैं तो ये आपका इधर जो नगर है वो है सिडनी। कौन सा है? सिडनी। दक्षिण में है मेलबोर्न। कौन सा? मेलबोर्न। ये मार्ग मेलबोर्न से क्या है? सिडनी। इधर आपके ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला है उसको पार करके मरे और डार्लिंग नदी है उसके पश्चिम में एक नगर है जिसका नाम है ब्रोकन हिल। क्या नाम है? ब्रोकन हिल। इसके बाद दो नगर है, एक तो है पोर्ट पिरी और दूसरा नंबर नगर है आपके पोर्ट अगस्टा। पोर्ट अगस्टा के बाद जो आगे ये चलता है और ये आपके विश्व प्रसिद्ध सोने की खान है दो, एक तो का नाम तो है कालगुरली, एक का नाम है कुलगाड़ी। क्या नाम है? कुलगाड़ी। एक का नाम तो क्या है? कालगुरली। और एक का नाम क्या है? कुलगाड़ी। दो स्वर्ण खदाने हैं। इन दो स्वर्ण खदानों के क्षेत्र से होता हुआ ये अंतिम छोर पे हिंद महासागर के क्षेत्र पर्थ नगर का नाम क्या है? पर्थ तक जाता है। ये आपकी कहां तक जाता है? पर्थ। तो सिडनी से लेकर और पर्थ, इसलिए इसका नाम क्या है? पर्थ सिडनी रेलमार्ग भी हम इसको कहते हैं। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व भाग में स्थित सिडनी और ये बाद में पर्थ से सिडनी के बाद में कहा जाता है मेलबोर्न तक जाता है। कहां तक? मेलबोर्न तक जाता है। और सिडनी है, सिडनी के बाद ये आएगा आप ब्रोकन हिल, ब्रोकन हिल से आया पोर्ट पिरी, पोर्ट अगस्टा, कालगुरली, कुलगाड़ी और कहां तक आ गया? पर्थ तक आ गया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी प्रदेश को, जो दक्षिणी प्रदेश है उसके भाग को घेरने वाला या पूर्वी तट और पश्चिमी तट के भाग को जोड़ने वाला प्रमुख रेल मार्ग कौन सा है? पर्थ से सिडनी वाला रेल मार्ग है। विद्यार्थियों, हमने उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के रेल मार्ग पढ़े हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप में देखें। तो अफ्रीका महाद्वीप में हमने पढ़ा था कि अफ्रीका महाद्वीप है उसका जो विकास है वो दक्षिणी भाग का है खनन नगर की दृष्टि से। तो फिर भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो मार्ग है वो प्रस्तावित है और बन जाएगा। तो 14,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, 14,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। कहाँ से कहाँ तक? ये मिस्र की राजधानी है कौन सी? अलकायरा। और अलकायरा से आपके दक्षिणी जो अफ्रीका है उसके नगर का नाम है केप टाउन। इस केप टाउन तक ये मार्ग है। कौन कौन से देश आएंगे? तो आपके इसमें दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, आपके जो कांगो के बाद में आपके सूडान और आपके उत्तरी और दक्षिण सूडान आ गया और भी बाद में क्या आ गया? मिस्र आ गया। लेकिन ये मार्ग कहाँ तक बना हुआ है? तो उत्तर में ये देखो केन्या जो है वहाँ पे केन्या के इधर केन्या तंजानिया कांगो इसके बीच में विक्टोरिया झील है। यहाँ से विश्व की सबसे लंबी नदी है जो नील है वो निकलती है। वो कहाँ गिर जाती है? आपके भूमध्य सागर में। कहाँ गिर जाती है? भूमध्य सागर में। नील नदी के भूमध्य सागर में गिरने के बाद हम बात करें कि ये जो मार्ग इसके क्षेत्र में बना हुआ है अलकायरा से आपके खार्तूम के बाद ये कोस्टी सूडान तक आता है। इसके बाद ये मार्ग है बीच वाला वो अत्यंत सघनतम वन क्षेत्र के कारण या सवाना घास के जो मैदान है उसके कारण ये भाग है वो नहीं बना हुआ है।
कहां तक नहीं बना हुआ है, ये जिम्बाब्वे तक बना हुआ है। जिम्बाब्वे के कहां तक? बुलवाथो, जिम्बाब्वे के बुलवाथो। फिर आपके संयुक्त जो सॉरी आपके दक्षिणी अफ्रीका की जो राजधानी है वैधानिक प्रिटोरिया, इसका खनन नगर है और प्रसिद्ध नगर है जोहान्सबर्ग स्टेडियम का नाम सुना है ना, क्रिकेट स्टेडियम। इसके अलावा आपके जो दक्षिण में है एक नगर है और प्रसिद्ध भी है किम्बरले, किम्बरले सोने की खदान है। और इधर से आ गया क्या, केप टाउन। यह बुलवाथो आपके जिम्बाब्वे तक ये बना हुआ है, इसके मध्य वाला भाग है वो नहीं बना हुआ है। क्यों नहीं बना हुआ है, इसका रीजन मैंने बता दिया, ये सगंतम वन क्षेत्र है और ये विहंगम प्रदेश है, उबड़ खाबड़ प्रदेश है, तो यहाँ ये मार्ग नहीं बना हुआ है। जब ये बन जाएगा तो अफ्रीका का यह रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग होगा। तो विद्यार्थियों इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट रेल मार्ग है, ये इस रेल मार्ग क्या नाम है आपके, काहिरा केप टाउन या अलकाहिरा केप टाउन या केरो केप टाउन भी बोलते हैं शॉर्ट में, केरो केप टाउन। इसके बाद एशिया और आपके यूरोप के रूस की बात करूं तो यूराल पर्वत श्रृंखला है और यूराल नदी है, यूराल पर्वत श्रृंखला है और यूनिसी नदी है, ये रूस और ये रूस। इस रूस में एक विश्व प्रसिद्ध सबसे लंबा रेल मार्ग है जिसका नाम है पार साइबेरियन रेल मार्ग। और ये कौन से नगरों को जोड़ता है, सबसे पहले हम देखते हैं, यह जोड़ता है पूर्वी ये प्रशांत महासागर का भाग है, इधर देखें तो ये आपके बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर है। प्रशांत महासागर जो है उसका नगर है व्लादिवोस्तोक और बाल्टिक सागर है उस क्षेत्र का नगर है सेंट पीटर्सबर्ग। इसको हम लेनिन ग्राड के नाम से भी जानते हैं। देखो ये जो रेलबाग बना वो 1891-1892 में बना, आरंभ हुआ और 1905 में ये बनकर के तैयार हो गया। 1945 में इस रेलमार्ग में दोहरे विद्युतीकरण को एक नई संकल्पना के साथ प्रस्तुत लगाया गया, यानी दोहरा विद्युतीकृत रेलमार्ग है। कौन सा? व्लादिवोस्तोक सेंट पीटर्सबर्ग। यह है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो रूस के दक्षिणी भाग में, रूस के दक्षिणी भाग में क्या है, विस्तृत है। ये तो यूरोपीय रूस आ गया, ये एशियाई रूस आ गया। इसके जो क्षेत्र है ये वाले प्रदेश है, इन प्रदेशों के औद्योगिक या खनन क्षेत्र है उनको ये पश्चिमी भाग, ये विकसित प्रदेश है, इसके भी औद्योगिक प्रदेश है, ये खनन क्षेत्र है, औद्योगिक प्रदेश है। और बीच वाला जो भाग है ये आपके स्टेपीज घास का मैदान है, इन प्रदेशों को जोड़ते हैं। इस मार्ग के बनने के बाद जो फायदा है वो क्या है, एशिया के जो देश है या एशिया के जो क्षेत्र है वो यूरोपीय बाजार से जुड़ गए हैं। कौन से बाजार से जुड़ गए? यूरोपीय बाजार से जुड़ गए। दूसरा प्रशांत महासागरीय भाग है, बाल्टिक सागर से जुड़ गया और अटलांटिक महासागरीय प्रदेश से व्यापारिक क्रियाओं के माध्यम से भी जुड़ गया। ये भी क्या इसका लाभ है। अब मार्ग को देखते हैं, मार्ग में हम सबसे पहले सेंट पीटर्सबर्ग से कहां तक आते हैं, मास्को, जो इस मार्ग का प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है
परिवहन केंद्र भी है और राजधानी केंद्र भी है। यहाँ से आगे मास्को से आगे जो नगर है वो है क्विशिनेव। इसके बाद ये आगे आकर के कजान, उफा जो आपके यूराल क्षेत्र आ गया। क्या यूराल यहाँ पे नगर है कौन सा? उफा। इसके बाद हम देखें तो नगर आता है ये आपके स्टेपीज घास का मैदान आ गया, नगर आएगा ओमस्क। इसके बाद आपके यहाँ पे झील आती है जिसका नाम है बेकाल झील। ये ध्यान रखना बेकाल झील के दक्षिण से आता है, बेकाल के दक्षिण से यहाँ नगर आ गया। चीता प्रमुख औद्योगिक नगर है। इसके पास ही नगर है कौन सा? इरकुटस्क। इरकुटस्क ये प्रमुख फर केंद्र है इरकुटस्क। इसके बाद जो नगर आया वो है खरगोश्क, खबरोस्क, खबरोस्क। और लास्ट में अगर कौन सा आ गया व्लादिवोस्तोक। तो इस प्रकार चीता भी एक प्रमुख नगर है, इरकुटस्क है, ओमस्क है, उफा, कजान, ट्यूमिंग, ट्यूमिंग भी है। ये मार्ग है जिसकी प्रमुख विशेषता क्या है? यूराल पर्वत को पार करता है, यूराल नदी को पार करता है, ओब और यूनिशी नदी को पार करता है। यूराल पर्वत, यूराल नदी और आपके वोल्गा नदी, वोल्गा नदी को पार करता है। वोल्गा नदी कहाँ से बहती है? इस प्रायद्वीप से बहेगी। प्रायद्वीप का नाम क्या है? वादाई प्रायद्वीप। और गिरेगी कहाँ पे? कैस्पियन सागर में। तो वोल्गा नदी को पार कर रहे हैं, यूराल पर्वत को पार कर रहे हैं, यहाँ से निकलने वाली यूराल नदी को पार कर रहे हैं, ओब और यूनिशी नदी को भी क्या कर रहे हैं? पार कर रहे हैं। तो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसके बाद हम बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप में रेल मार्ग की हम बात करें तो यूरोपीय रेल मार्ग में इस रेल मार्ग का नाम पार साइबेरियन, क्या नाम है? पार साइबेरियन, यानी साइबेरिया प्रदेश को क्या करता है? पार करता है, ये पूरा साइबेरिया रूस, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यूरोप की। तो यूरोप में जो रेल मार्ग है, क्या नाम है उसका? ओरिएंट, क्या नाम है? ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। कौन सा? ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। इसकी हम बात करें तो देखिए ये फ्रांस, फ्रांस के नगर है पेरिस से स्टार्ट होगा। कहां से? फ्रांस का जो नगर है क्या नाम है? पेरिस। पेरिस से स्टार्ट हो गया। इसके आगे हम फ्रांस के अगले जो नगर है स्ट्रासबर्ग, फिर ये जर्मनी जाएगा, जर्मनी का नगर है म्यूनिक, फिर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का नगर है वियना, फिर बेलग्रेड है, सर्बिया जो है उसका नगर है बेलग्रेड, फिर ये जो है आपके तुर्की, तुर्की का नगर है कौन सा? इस्तांबुल। कौन सा? इस्तांबुल। इस्तांबुल तक चला गया। इस्तांबुल तक तो ये मार्ग है कंप्लीट बन चुका है, इस्तांबुल तक तो मार्ग क्या है? कंप्लीट बन चुका है। इस्तांबुल से आगे ये मार्ग क्या है? प्रस्तावित है।
और इसकी प्रस्तावित जो रूपरेखा है वो है आपके ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद ये आपके आ गया म्यांमार, म्यांमार के बाद ये आपके आ गया थाईलैंड, थाईलैंड के कहाँ तक आता है, बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक। तो इस प्रकार ये मार्ग प्रस्तावित है, ये मार्ग कंप्लीट बन चुका है। तो विद्यार्थियों, हमने विश्व के प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का उल्लेख किया। अगले वीडियो में हम जल परिवहन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।